नमस्कार साथियों, अब भी वो युवा इंतज़ार कर रहे हैं जिनका आर्मी का एग्जाम पेंडिंग में है, एयरफोर्स जॉइनिंग पेंडिंग में है। और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे, सिर्फ एक काम नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपका आर्मी का एग्जाम पेंडिंग में पड़ा है। यदि ये काम कल हो जाए तो कल ही सरकार आपका आर्मी का एग्जाम करा देगी, ये मेरा दावा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम के बारे में। तो अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम यानी ये नवम्बर महीने से शुरू होना था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन अलाट नहीं हुआ, क्योंकि अभी अग्निवीरों की भर्तियाँ काफ़ी जगह पर बाकी हैं। और एक बात आपको मैं क्लियर बता देता हूं, जैसे कि एयरफोर्स का फिजिकल होने के बाद में एग्ज़ाम भी हो गया लेकिन अभी हुआ, उसी तरह से जब अग्निवीर आर्मी भर्ती का पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये आपका एग्ज़ाम कराने की सोचेंगे, उसके बाद में आपका नेवी का चालू हो जाएगा। तो ये हुआ लगभग मार्च तक नेवी का रनिंग करेंगे और एग्ज़ाम करेंगे, यानी नेवी के अंदर पहले एग्ज़ाम होगा उसके बाद में फिजिकल होगा। अब मैं बात कर दूं आपको क्लियर कि मार्च जब हो जाती है तो ये युवा क्या अगली जुलाई 2023 में भर्ती क्लियर होगी? यानी एक भर्ती को करने के लिए एक साल कंप्लीट क्यों लग रहा है? सिर्फ सरकार की एक जानकारी के बदौलत एक साल लग रहा। अगर ये काम हो जाए तो सरकार भर्ती भी टाइम से कराए और आर्मी का एग्ज़ाम जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो भी टाइम से करा दे। जैसे कि आपको हम कुछ दिन पीछे लेके चलते हैं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था 99 में, उस समय सेना में जाने के लिए कोई भी युवा तैयार नहीं हुए। जब भर्ती खुली तो भर्ती दफ्तर पर 500, 600 या 1000 ही बच्चे पहुंचते थे, लेकिन और भर्ती जितने पहुँचते थे उन सभी का सिलेक्शन उस समय हो जाता था, क्योंकि उस समय सरकार को मैन पावर की ज़रूरत थी और सैनिकों की ज़रूरत थी, क्योंकि कारगिल युद्ध लगा था इस वजह से ज़रूरत थी और इसी वजह से भर्ती की गई। अब सरकार ये चाहती है कि कई साल गुजर गई हैं, पाकिस्तान हो या फिर अदर कंट्री के साथ में कोई भी वार युद्ध नहीं हुआ है, तो हमारी इतनी सेना की ज़रूरत क्या है? हम सेना को ऑटोमेटिकली कम कर दें, वेस्टेज में हम इनको पैसा दे रहे हैं। सरकार की मानसिक सोच ये है सिर्फ सेना को कम करना, क्योंकि युद्ध तो हो नहीं रहा है, इस वजह से सरकार आपका आर्मी का एग्ज़ाम भी पेंडिंग में डाले हुए। और इसी तरह से अग्निपथ के द्वारा जो युवा भर्ती देख रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम पेंडिंग में डाले हैं, यानी एक भर्ती एक साल के अंदर अगर सरकार पूरा कर रही है तो सरकार की सिर्फ सोच यही है कि कहीं पर भी किसी कंट्री के साथ में हमारा वार युद्ध तो छिड़ नहीं रहा है, तो हम इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों करूँ। आपने ये भी देखा होगा कि सरकार जितने पीछे के पीछे भागती है, पैसे के पीछे भागती है, उतना हमारे युवाओं के ऊपर अगर ध्यान देती तो आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोजगारी नहीं थी। आपको रियल सच्चाई मैंने बता दिया है कि आर्मी का एग्ज़ाम पेंडिंग में हो या एयरफोर्स जॉइनिंग पेंडिंग में हो या फिर अग्निपथ स्कीम की भर्तियां डिले हों, इसको लेकर के सबसे बड़ा रीजन्स है कि अदर कंट्री के साथ हमारी शांति चल रही है और किसी के साथ में कोई अभी वार नहीं छिड़ा है। नहीं तो ये सरकार को तो पता चल जाता कि अब मुझे मैन पावर की ज़रूरत है, अब अचानक से हम 3 लाख युवा कहाँ से लाएंगे? बाहर के दौरान कोई युवा अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहेगा और न ही कोई बॉर्डर पर गोली खाने के लिए जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इसी के साथ सभी भाइयों को जय हिंद।